अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सात से आठ, अनदर हैपनिंग डे टुडे। आज जो अहम बातें सामने आ रही हैं, अहम बयानात, अहम स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं, उसके ही मौजू बहस बनाएंगे। जलसों में पीटीआई रहनुमाओं के गैर मोहताज जुमले हों, या जरदारी साहब का गुज़िश्ता रोज़ का जो बयान था, या फिर मरियम नवाज़ साहिबा के आला फौजी शख्सियत के हवाले से रिमार्क्स हों। सियासतदान तो बाज़ नहीं आते, ISPR को ही फिर बयान जारी करना पड़ गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सियासी क़यादत इदारे के खिलाफ मुतनाज़े बयानात से इजतनाब करे। को कमांडर पेशावर से मुतालिक अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। पेशावर कोर पाक आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है, जिसकी क़यादत बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। ये एक हफ्ते में दूसरी बार ISPR की तरफ से सियासतदानों की अफवाज पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू पर तशवीश का इजहार किया गया है। आज जो ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ISPR की जानिब से सामने आया है, क्यों ये वजाहत देनी पड़ गई, क्यों ये बयान देना पड़ गया, ज़रा याद दिलाती हूँ आपको कि बातें हो क्या रही थी कि जिसकी वजूहत पर यह बयान सामने आया है। कहा जाता है कि जी वो जनरल फैज के ऊपर सारा कुछ कोई बदमजगी हुई है। मेरा कभी ना फौज से कोई इशू हुआ, क्योंकि मैंने ना कभी मुदाखलत किया, ना मैंने कभी सोचा कि मैं कभी अपना आर्मी चीफ लेके आऊँ। मेरा सिर्फ एक इशू था, मुझे ये पता चल गया था एक किस ये अफगानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता था कि उस वक्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था, मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, तो जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो, तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली परवेज मलिक साहब आज प्रोग्राम का हिस्सा है, शुक्रगुजार हूँ आपकी। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं, दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। अली साहब, आपसे बात का आगाज कर लेते हैं क्योंकि आपके साथ कोलेशन में भी हैं। कल जो जरदारी साहब ने बयान दिया, इससे पहले जो दीगर सियासतदान हैं जो बात करते रहे हैं, दो बार ISPR को वजाहत देनी पड़ गई, बयान देना पड़ गया। बार बार कहा जा रहा है कि सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन कहीं से भी गुमा पर आकर जुमलेबाजी और इस तरह के बयानात दाग दिए जाते हैं, क्यों कर रहे हैं आप लोग? कुछ चाह रहे थे कि न्यूट्रैलिटी हो, अब जब न्यूट्रैलिटी है तो इस तरह के बयान इनकी ज़रूरत क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया किरण, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखिए, मैं किसी किस्म की अननेसेसरी कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं जाना चाहता, फजूल की बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। आप जानती हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने कल इंटरव्यू दिया है और उन्होंने उसके अंदर बड़ा क्लियरली जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने पेश कर दिया है, और मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर एक दफ़ा फिर उसको रिपीट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से इस अपॉइंटमेंट के अंदर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए अगली नवंबर के अंदर होने जा रही है, उसके अंदर उनका इंस्ट्रूमेंटल इसके अंदर उनका रोल होगा। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो भी ऑफिसर एलिजिबल होगा फॉर दिस एलिवेशन उसको कंसिडर किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर के जी उनको क्या ये जिम्मेदारी देनी है कि नहीं देनी। और मरियम साहिबा ने जो बात की है वो ये की है कि ये हमारे आईन के तहत एक इदारा है जिसकी जो इज्जत है वो हम सब के ऊपर लाजिम है, पर वहां का जो ऑफिसर होगा जिसको एलिवेट किया जाएगा वो होना चाहिए। एक जिम्मेदाराना बयान वजीर दिफा की तरफ से तो आ गया, लेकिन मरियम नवाज साहिबा उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अली साहब, देखें, मैं गुजारिश आपसे करूंगा कि सीरियस एस्पर्शंस ऑन वन जेंटलमैन हैव बीन कास्ट। अगर आप पीछे रिसेंट पास्ट के अंदर देखें, जब इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था और उसके बाद जो बाकी की चीजें, जब लेजिस्लेशन पास होती थी, किस तरह से फोन कॉल आती थी, क्या मामला थे, और वो सोशल मीडिया उस चीज के ऊपर भरा हुआ है। तो मैं यहां पर अगर आप इस सारी चीज का बोझ मरियम नवाज साहिबा के ऊपर डालना चाहती हैं, मेरे ख्याल से गैर मुनासिब है। जो वहां पर जो कॉन्ट्रोवर्सी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है वो हर तरफ से दोनों
दोनों साइड्स ऑफ द क्या कहते हैं आइल से आ चुकी हुई हैं, तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि लेट अस स्टिक टू व्हाट द डिफेंस मिनिस्टर हैज सेड, उसके बाद जो भी ऑफिसर एलिजिबल होगा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होगा इस फौज को एक अच्छे अंदाज़ सर, ये सोशल मीडिया के लिए तो बयान नहीं है ना सर, चैलेंजिंग हालात के सियासी रहनुमाओं के लिए ऐसे बयान है ना, उस पर मैं कह रही हूँ अली साहब की जिम्मेदारी का मुजाहरा तो मरियम साहिबा को भी करना चाहिए। सदाकत अली अब्बासी साहब सर क्यों DGISPR को, उन्होंने अगर कहा है कि कोई बंदा नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, इसमें कौन सी गैर मुनासिब बात कर दी है? हाँ ठीक सर, सर अहल होना चाहिए, कोर कमांडर पेशावर ऐसे ही बन जाता है सर, कोई ऐसे ही बन जाता है जनरल कोई सर? देखें आप लोग अपनी बयानबाजी कर लेते हैं सर, अफसरान है जो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक प्रमोट हुए हैं, पर इसके अलावा और चीजें भी हाँ, और ये अली साहब ये मरियम साहिबा को समझाइएगा ना सर, ये मरियम साहिबा को समझाइएगा, मुझे अगली बात कर लेने दीजिए, हम आपकी बात भी आ चुके हैं सामने और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख चुकी हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब सर क्या जरूरत पड़ जाती है सर बार बार, कभी आप लोगों की तरफ से, कभी मौजूदा हुकूमत की कोलिशन की तरफ से सर, इस तरह की बयानबाजियां की जाती हैं कि फिर वजाहत देनी पड़ जाती है, बात करनी पड़ जाती है सर, मोराल पर फर्क पड़ता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है सदाकत साहब? जी किरण साहब बहुत शुक्रिया, जो आज की प्रेस रिलीज है ISPR की, उन्होंने पेशावर कोर के बारे में ऑब्जेक्शनेबल बातें करने पर एतराज़ किया है, तो आपको पता है ये ऑब्जेक्शनेबल बातें सिर्फ मरियम नवाज ने की हैं, जो किसी सरकारी कैपेसिटी में नहीं है, सजा याफ्ता एक मुजरम है और पता नहीं मुजरमा है, पता नहीं वो किस कैपेसिटी में ये बयान दे रही हैं, और एक हुकूमती पार्टी की तरफ से ऐसे बयान मीडिया पे देना। लेकिन मैं आपको बताऊं और आपके नाज़रीन को बताऊं, ये नवाज शरीफ और इनकी पार्टी को सवाए ज़ियाउल्लाह के आज तक कोई फौज पसंद नहीं आई, सिर्फ इनको ज़ियाउल्लाह पसंद है जो इनको लेके आया था, वरना ये नवाज शरीफ का डॉन लीक्स करना ये भी बहुत बड़ी गद्दारी थी, नवाज शरीफ साहब का मुझे क्यों निकाला के पीछे फौज को बदनाम करना भी हम सब के सामने है, नवाज शरीफ साहब का जलसों में हमारे फौज के सरबराहान के बारे में बुरा भला कहना और दुश्मनों को खुश करने वाले बयान देना हमारे सामने है। आज मुझे बताएं मरियम साहिबा का क्या तुक बनती है, उनकी पार्टी हुकूमत में है, चले मैं कहता हूं कि ख्वाजा आसिफ का बयान एक लिहाज से वो जिम्मेदार है, वो दिफा के वजीर हैं, उनका बयान तो करना कोई तुक बनती है, मरियम के पास कौन सी कैपेसिटी है? वो अपने मुकदमे भुगतें, अपने पैसों का हिसाब दें, अपनी चोरी चकारी का हिसाब दें, वो जाके अदालत के बाहर जनरल फैज का नाम लेना, पेशावर कोर कमांडर का नाम लेना और उनके नाम को मुख्तलिफ इस्तारे इस्तेमाल करना, यह बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का हमेशा से वतीरा रहा है मुख्तलिफ इस्तारे इस्तेमाल करने से सर मुझे याद आया सदाकत साहब, वैसे आप सही कह रहे हैं जिम्मेदारी का मुजाहरा तो सर हर तरफ से होना चाहिए जी, आप अगर किसी जगह पे मेरी क्यादत ने किसी का नाम लिया है और किसी को लॉजिकली अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो अलग बात है। इमरान खान साहब ने एक बात की, उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को हमेशा सादिक और अमीन कहा और इस गद्दारी में तो साबित हो गया, शहबाज शरीफ साहब भी मान गए, दोनों वजीर आजम मान गए कि ये जो कुछ भी हुआ है ये गद्दारी हुई है, ये साजिश हुई है, ये धमकी आई है, इमरान खान हमेशा वाजे उन्होंने किया, अगर कोई कन्फ्यूजन आई तो वाजे किया, इन्हें कहे ना मरियम अभी माफ़ी मांगे, उन्होंने क्यों नाम लिया हमारे कोर कमांडर एक और कमांडर का फौज के, कोई माफ़ी नहीं। इमरान खान के बारे में अगर इस तारे की बात हुई है तो उन्होंने अपना मौकफ क्लियर कर दिया 24 घंटों के अंदर, बल्कि उसी दिन क्लियर कर दिया था, कहा कि मैं जलसे में बताऊंगा, तो जलसे में बताया, तो बाकी तो ये आप एक चीजों को ट्विस्ट कर रहे हैं, जबकि ये खानदान हमेशा करप्शन करता रहा, जब इनकी करप्शन पकड़ी गई, इन नवाज शरीफ ने कहा कि जजेस के फैसले के पीछे फौज है, अब मुझे बताएं इससे बड़ी गद्दारी हो सकती है? अली परवेज मलिक साहब इसको जवाब दे दें सर, ये सदाकत अली अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं सर इसका जवाब प्लीज दे दें, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने एक बात की तो उसको इस तरह से पेश किया गया, फिर वजीर आजम साहब ने बाकायदा करारदाद ही मंजूर कर ली, अब यहाँ पर तो मरियम नवाज साहिबा क्लियरली नाम ले रही हैं, जरदारी साहब ने कल बात करते हुए नाम ले लिया, तो यहाँ पर भी हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि एक तरफ मरियम साहिबा है दूसरी तरफ आपकी कुलेशन है, तो यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा किरण, मैं आपसे पहले तो ये गुजारिश करूंगा कि अपने ये जो दूसरे गेस्ट हैं इनसे ये गुजारिश करें कि लोगों की यहाँ पे पगड़ियाँ उछालने के बजाय ना, ये जो एडजर्नमेंट्स का सिलसिला पिछले 4 साल से इन्होंने शुरू किया हुआ था और जो नैब को ये वीडियोस दिखा के सजाएं दिलवाते रहे थे ना, अगर ये गुफ्तगू मेरी लीडरशिप के ऊपर करनी है तो मैं भी इनको दुनिया की अदालतों में ले जाता हूँ, और इनके जो सादिक और अमीन वजीर आजम साहब हैं जिन्होंने गोगी साहिबा को यहाँ से दुबई भिजवाया और उसके साथ जो सारे उनके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं, मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा, तो काइंडली
तहजीब के दायरे में रह के जो सवाल पूछा जाता है उसके ऊपर गुफ्तगू करें ताकि हम इस बात को पॉजिटिवली आगे लेके चल सकें। आपका मैसेज कन्वे हो गया सर, आप मुझे जवाब सवाल किया मेरी उसके ऊपर जी, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर ना आजकल में जो क़यादत मौजूद है सियासी, उसके अंदर इमरान खान साहब वो अकेले शख्स हैं जिन्होंने इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को और इस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को एक साइड पे रख के या बल्कि उनको इस्तेमाल करते हुए अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आके इनको हमारे इदारों का एहतराम कितना हुआ है उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आपके सामने आपका फोन पड़ा हुआ है, जरा उसके ऊपर मीर जाफर जरा गूगल तो करके मुझे बताए ना कि मीर जाफर जो था उसका किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के साथ ताल्लुक था। तो सिराजुद्दौला की हुकूमत अगर मीर जाफर ने गिराई है और वो सिपा सलार था तो किस इदारे के सरबराह के ऊपर इन्होंने इल्जामात उठाए हैं? मुझे इनको कहें कम से कम दिल पे हाथ रख के कोई इतनी हिम्मत तो पैदा करें ना कि अगर ये उन्होंने वजाहत दे रहे हैं ना सर कि वो शहबाज शरीफ को कह रहे थे, उसके बावजूद मैं इनको कह रहा हूं कि जो अफसर वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के ऊपर मौजूद है इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को जाएगी इंशाल्लाह ड्यू कंसिडरेशन विल बी गिवन और जो आईन के तकाजों के मुताबिक जो बेहतर अफसर होगा जो पाक फौज को आगे लेके चल सके इन चैलेंजिंग सूरत हाल के अंदर उसको नामजद किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, इल्जामात का सिलसिला काफी गुफ्तगू हम कर चुके हैं इस पर दोनों तरफ के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए ये मैसेज है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा हर तरफ से होना चाहिए। सर आप दोनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं ना, नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत में कब यूटर्न आ जाए पता नहीं चलता। कल तक जो गा रहे थे कि ये दोस्ती तो हम नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान को फिर हम निकाल कर ही दम लेंगे, अब वो अचानक ना अपनी अपनी राहें चलने को तैयार बैठे हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब के मुतालबे को पूरा करना चाहती हैं, अपनी ही जमात से फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ये किसी तौर पर भी इस्लाहात से पहले इलेक्शन को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी एमकेएम को भी जरदारी साहब का पैगाम पहुंचा ही है, वहाँ लंदन में मियां साहब परेशान हैं कि आखिर किसकी सुने किसकी नहीं सुने, और यहाँ शेख रशीद साहब वो कह रहे हैं कि खान साहब को पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं लेकिन वो भी इलेक्शन से कम पर बात करने को तैयार नहीं है। सुनिए फिर मेहमानों से जवाब लेते हैं। इलेक्शन ही हल है क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। पहले इस्लाहा फिर इंतखाबात, हम जमहूरी कुव्वते हैं, हम इंतखाबात चाहते हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे सारे सियासी जमाते अगले इलेक्शन से पहले अग्री नहीं होते हैं, हमारा अगला इलेक्शन खूनी इलेक्शन। अपोजिशन पार्टीज को और मेरी अपनी जमात को मेरी अपनी हुकूमत को ये देखना चाहिए ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। हमने क्यों ये वजन अपने कंधों पे लिया है? ऐसे हालात सिर्फ तब बनते हैं जब मुल्क और कौम सिवियर क्राइसिस की मुकाबला कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट के सोचते हुए इस किस्म की जिम्मेदारी उठाते हैं। पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से शक व शुबा से रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। अदम एतमाद का एक रात पहले एक धमकी दी गई, फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ हो, ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने मुझ तक पहुँचाया। इससे पहले कि मैं अपने दोनों मेहमानों की जानब इस इशू पर आऊं, मुझे शेख रशीद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सियासतदान हैं, बहुत शुक्रिया शेख साहब। सर आईएसपीआर की जानब से बयान जारी करना पड़ गया है सर, पेशावर कोर के हवाले से सियासतदान मोहतात रवैया अंदाज इख्तियार करें, उंगली ना उठाएं। सर क्यों ये यहाँ तक बात कैसे पहुँच गई कि बाकायदा वजाहत जारी करना पड़ गई? सर बात बहुत दूर तक पहुँच चुकी है, मरियम ने भी परसों चार दिन पहले जनरल फैज का नाम लेकर कहा, 14 मरतबा इन्होंने जनरल फैज का और जनरल बाजवा का नाम लिया है। फौज है ये कोई रजाकारों का अदारा नहीं है, और फौज में इस बात पे तशवीश पाई जाती है कि उनके कमांडर्स के बारे में तजीक अमेज जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस काबिल भी नहीं कि उसको रिपीट किया जाए। ये सारी सूरत हाल जो है वो काफी गंभीर है, और डॉलर 200 रुपए की तरफ जा रहा है और 8 दिन में 200 रुपए होगा, डिफॉल्ट का जहां तक खतरा बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है, कारोबार नाम की चीज नहीं है, और आपस में ये फौज को
निशाना का नाम लेकर उनको निशाना बना रहे हैं, तो ये चीजें काफी तश्वीशनाक हैं। और हुकूमत चल नहीं रही है, या तो हुकूमत चल रही हो, जब हुकूमत चल नहीं रही होगी और इस चीज का खतरा होगा कि मुल्क खुदा ना खालसा डिफॉल्ट हो जाए, तो फिर मुल्क के जो सिक्योरिटी के अदारे हैं और मुल्क के इकोनॉमिक एसेट्स हैं वो सब जो हैं वो सवालिया निशान पर होंगे। आईएसपीआर ने बिल्कुल ठीक बयान जारी किया है। शेख साहब, ये मरियम नवाज साहिबा के बयानात की वजह से ही वजाहत जारी करना पड़ गई, या फिर आप समझते हैं कल जो जरदारी साहब ने बात की इस हद तक इदारा मजबूर हुआ कि फिर वजाहत देनी पड़ी? सर, मजबूरी कोई नहीं है, समझा रहे हैं बार बार, उनकी कोई मजबूरी नहीं है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है, वो समझा रहे हैं कि मामला ठीक रहे और इलेक्शन की तरफ कोई सूरत हाल बन जाए, जब नहीं बनेगी तो फिर मजबूरी की बजाय नजरिया जरूरत आता है, और नजरिया जरूरत कोई ज्यादा दूर नहीं है इन हालात में। जब आप शेख साहब कमांडरों का नाम ले लेके बातें करेंगे तो फिर इसी किस्म है। शेख साहब, ये जो समझा रहे हैं तो खान साहब को समझ आ गई है सर कि आइंदा जलसों में, रैलियों में, इंटरव्यूज में सर इस किस्म की बातें और इस तरह से तनकीद ना करें? आज तक किसी का नाम नहीं ले, उसने कल ये कहा कि मैं और फौज इस मुल्क की दिफा की जमानत है। कल जेलम में उसने ये कहा कि इस मुल्क को या फौज ने संभाला हुआ है और वो यकजहती का इजहार है, काइंडली उसको जरा दिखाएं लोगों को। थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। परवेज मलिक साहब, सर आपकी तरफ आती हूँ, ये जो अब ये रोला पड़ गया है ना, इलेक्शन होना है नहीं होना, इमरान खान साहब तो मान गए थे जिस वक्त वो हुकूमत में थे, जिस वक्त वजीर आजम से वो चाह रहे थे कि बैठ जाते हैं सब, अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। मरियम साहिबा अब मुतालबा कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरा जमात है, आप लोग को अभी समझ नहीं आ रहा है इलेक्शन करवाना है नहीं करवाना? सर, जब आप लोग हुकूमत में नहीं आए थे, जिस वक्त महंगाई मुकाव मार्च लेकर निकल रहे थे, उस वक्त नहीं पता था कि मईशत का कितना बुरा हाल है, ये जो गंध है इमरान खान साहब का, ये आप लोगों को उठाना पड़ जाएगा सर? अच्छा किरण, जो फौज के अंदर अगर तश्वीश पाई जाती है ना, जो शेख रशीद साहब कह रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है, जिन लोगों ने अपना नालायकी का बोझ एक न्यूट्रल इदारे के ऊपर डाली रखा है और बाद में उनको गिड़गिड़ा के अपील करते रहे कि आए सियासत के अंदर दोबारा छलांग मारें, तो एक चीज तो ये क्लियर कर लें। और दूसरी बात यह है कि जो इस मुल्क के अंदर आज बदहाली की सूरत हाल आप देखती हैं, पहले अपने दिल के ऊपर हाथ रख के मुझे ये बताएं, क्या ये एक महीने की जो हुकूमत है उसकी जिम्मेदार क्या ये, या जो पिछले चार साल से यहाँ पे जो हुक्मरानी कर रहे थे उनको आप कटहरे में खड़ा? लेकिन सर, आप लोग तजर्बेकार थे, आप लोग अहल थे, सर एक महीना पहले आप लोग को खुद नहीं पता था ये बात कि चार साल का गंद है या एक महीने में आप लोगों ने या डेढ़ साल में पूरा करना है? अली साहब, अगर आप मुझे बात करने देती तो मैं उसी रवानी से आपको इसी सवाल के ऊपर आ रहा था। गुजारिश इस तरह से है कि जब इस किस्म का बिगाड़ इमरान खान साहब की हुकूमत के नीचे आ रहा था, तो मुझे बताएं ऑपोजिशन के पास और क्या ऑप्शन थी इस चीज के अलावा कि इनसे छुटकारा अवाम को हासिल करवा के देना। तो ये वो मकसद था, बदहाली के बारे में हमें बिल्कुल पता था, तो इसीलिए आज मरियम नवाज साहिबा और ये जो मखलूत हुकूमत बनाई गई थी, आप मुझे बता दें किस दिन उन्होंने आके कि ये कहा कि जी हम चाहते हैं कि हम डेढ़ साल का जो इस असेंबली का बाकी जो टर्म है उसको सर्व आउट करें। इसको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करने के लिए ये कोलिशन बनाई गई थी। अब बुनियादी इस्लाहात खास तौर पे इलेक्शन के कवानीन के अंदर, ताकि एक दफा फिर आरटीएस फेल ना हो, ऐसा माहौल ना बने कि उसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इलेक्शन को कॉन्ट्रोवर्सियल समझे। तो जब आप वो इस्लाहात कर लेंगे, बेसिक जुडिशियल रिफॉर्म्स कर लेंगे, तो आपको जल्द से जल्द मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहिए। और मरियम साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि किसी भी हुकूमत के पास अगर रनवे मौजूद नहीं होगी तो वो इस नालायकों के टोला वो अपने हिसाब से विकेट ना सेट कर सके, आप लोग कर लें। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। अब अली साहब, मैं कंप्लीट करने दें, आप मेरी बात कंप्लीट करने दें। नहीं, अगर आप किसी हुकूमत के पास रनवे मौजूद नहीं होगी, तो जो इमरान खान साहब ने आखिरी तीन महीने में जिस तरह से बारूदी सुरंगें लगाई थी और पॉपुलर फैसले किए थे, वही रास्ते के ऊपर आप नई हुकूमत को मजबूर करेंगे। इसलिए इस मुल्क को चाहिए जल्द से जल्द इस्लाहात हो, और देर पा आप इलेक्शन जाएं ताकि लोग देर पा इस्लाहात। ठीक है अली साहब, आप मुझे जवाब लेने देना, सदाकत साहब से भी मुझे जवाब लेने दें, मुझे सेगमेंट को क्लोज करना है। सदाकत साहब, सर मरियम नवाज साहब अभी अब वही बात कर रही है जो तहरीके इंसाफ का मुतालबा था, जल्द इलेक्शन करवाया जाए, तो सर कोई किरदार अदा करें ताकि मुल्क में अफरा तफरी से बचा जा सके।
देखिए अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज करना था, यही बात इनको पहले बता रहे थे, लेकिन इनका ख्याल था कि शायद ये बहुत बड़े को अफलातून है और एक एक मईशत जिसको हमने स्टेबलाइज कर लिया था, रिजर्व बढ़ गए थे, एक्सपोर्ट बढ़ गए थे, रेमिटेंसेस बढ़ गए थे, पाकिस्तान 5.5-6% की ग्रोथ पे चला गया था, इन नालायकों ने आके साजिश करने वाले इनको आके तो कर दिया। इतना सादा सा सवाल सदाकत साहब, जल्द इलेक्शंस हो जाएं, इसके लिए कोई किरदार अदा कर रहे हुकूमत और अपोजिशन या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान? सुने ना किरण, सुने, आज मरियम को समझ आ गई, इमरान खान पॉपुलर हो गए, इलेक्शन कराएं तो डरे, इलेक्शन ना कराएं, यार बात करने देना, इस तरह ना करें, इलेक्शन कराएं तो मरते हैं, ना कराएं तो नवाज शरीफ की पूरी जो साजिश थी वो एक्सपोज हो रही है, तो अब ये बुरी तरह फंस गए, आज उन्होंने मुल्क को क्राइसिस में लेकर गए, और उनका बेवकूफाना उनको बात तो करने दें अपनी। जी सदाकत साहब, वो पाकिस्तान को वेंटिलेटर पे वो खुद मान रहे हैं, एक हंसता बसता मुल्क, आज डॉलर 200 पे चला गया, ये महंगाई की बात करके आए थे, आज खाली चिकन 650 रुपए का किलो मिल रहा है, आज इनको हर तरफ से दान दान हो रही है, और ये इनको चुप कराए ना, ये क्या बात हुई? अली साहब मैंने आपकी बात सुनी है, आज ये ना आगे जो कर रहे ना पीछे जो कर रहे, मरियम इसलिए इलेक्शन कह रही है, इमरान खान के जलसों का खौफ है, उनके मुकाबले में जलसियां हो रही हैं और लोग हर अगले दिन सारे स्टैट्स ये बता रहे हैं सर, लेकिन इलेक्शन का नतीजा जलसों से नहीं। ताकत साहब इस बात को भी तो तस्लीम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी एक बार फिर नासरीन आपको। सदर मुमलिका जनाब आरिफ अलवी साहब ने बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए, मुबैना बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है और ये भी कहा है कि तरजीहन चीफ जस्टिस खुद इस कमीशन की सरबराही करें, अलबत्ता ओपन हियरिंग के हवाले से कोई बात नहीं की गई है। तो कानूनी पहलू इसका जानने के लिए मुझे माहिर कानून हैदर वईद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अजी साहब, रियासत के सरबराह सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त के बाद क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? सदर चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब खुद इसकी सरबराही करें, तहरीक इंसाफ ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रही है, क्या ये दोनों चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं? देखिए मुमकिन तो हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज खुद नोटिस लेके इस पे कमीशन भी बना सकती है, बनाने को फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो बन सकता है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें पढ़ना चाहेगी जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस चीज़ का ऐलान किया हुआ है? मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, एक माहौल ज़रूर क्रिएट किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद जो है वो पिछले फैसले में कुछ जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा एजिलिटी दिखाई और रात को भी अदालत खुली तो उस चीज़ को फिर मिसयूज़ किया गया था और गलत तासर एक दिया गया था, जैसे ओवर जेलस थी या सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया, तो फिर शायद वो इस तरह से इस बात को इस्तेमाल करें कि यहाँ क्यों नहीं वो रोल फिर प्ले करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे किसी सियासी मामले में पढ़ना चाहेगी नहीं, और ये कानूनी मुद्दा भी होता है कि अगर पॉलिटिकल क्वेश्चन इन्वॉल्व हो तो फिर उस सूरत में जो है वो अदालतें जो है वो दे स्टे देयर हैंड और वो नहीं पढ़ती। जी एक और भी अहम इशू, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुकदमात में पुलिस को कार्रवाई से रोक दिया है ना, और वजारत दाखिला को तमाम सूबों से इस किस्म के मुकदमात खारिज करने की हिदायत देने का कहा है, ये फैसला कितना बर वक्त है और मौजूदा हालात में इससे कितनी बेहतरी आ सकती है? देखें ये बात वैसे तो गैर ज़रूरी लगती थी कि ब्लास्फेमी लॉ को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए, बेशक के मदीना में जो हुआ वो बहुत ही गैर अखलाकी, गैर कानूनी और हर तरह से मजम्मत के लायक ज़रूर था, लेकिन वो जुर्म वहाँ हुआ था, शवाहिद वहीं थे। टेक्निकली पाकिस्तान में भी इस पर ट्रायल ज़रूर चल सकता है, और वहाँ पे किया हुआ जुर्म अगर पाकिस्तानी सिटीज़न ने किया हो तो ट्रायल चलने को यहाँ भी चल सकता है, लेकिन ये सारे पस मंज़र में नज़र कुछ यही आ रहा था कि कुछ सियासी अंसर भी इसका है और बेहतर यही है कि जहाँ जुर्म हुआ है वहीं पर ट्रायल चला करे। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी जिसकी वजह से कार्रवाई रोक दी गई है, लेकिन रोक जरूर दी गई है, और जिससे आई थिंक ये एटलीस्ट फायदा होगा कि जिस नहज हम
और जिस डगर चल पड़े थे कि ब्लास्फेमी लॉज का भी इस्तेमाल हो रहा था, काउंटर किया गया, रोका गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे नाज़रीन। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो कराची वाले मिलकर जरा पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि पहले टेन्योर में किया गया वादा तीसरे टेन्योर में कामयाब होता हुआ पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके सिंध हुकूमत 14 साल बाद बिलाखिर कराची के लिए बसेस लाने में कामयाब हुई है। चीन से 69 डीजल हाइब्रिड बसेस हैं जो कि कल रात कराची पहुंची हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में अपने तीसरे टेन्योर में पहले टेन्योर का किया गया ये वादा जो कि वफा करने में कामयाब हुई है। अब कराची पहुँचने वाली बसेस में से ईधी लाइन यानी औरेंज लाइन पर चलाई जाएंगी कुछ बसेस, जबकि 49 बसेस जो हैं वो कराची के दीगर रूट्स पर चलेंगी। इसके अलावा मज़ीद 170 बसेज आना अभी बाकी है। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में उवैस चाह साहब, आपको मुबारक हो सर, बड़ी देर से ही सही लेकिन मेहरबान आपको कामयाबी तो मिली है सर। ए सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ऑरेंज लाइन ट्रैक मैं आपको एक महीना पहले की अगर उसकी दे दूँ बात बता दूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीट है। ऑरेंज लाइन ट्रैक को पिछले 6 महीने से हम SIDCL जो साबिका फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है जो गवर्नर के उसमें काम मातहत काम करता था, जिसको सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड कहते हैं, उनको हम बार बार कहते रहे कि आप आएं, और क्योंकि ये ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन दोनों साथ चलनी है। तो ये एक मुआहदा हुआ था कोई एक साल पहले, दो साल पहले, कि ऑरेंज लाइन की बसेस, ITS सिस्टम्स और दूसरी चीजें सारी ग्रीन लाइन में करनी है। हम ये चाहते थे कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं साथ चलें, ताकि एक विजन के हमारे कराची के भाई बहनों को, हमारे कराची के दोस्तों को एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिले। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक मुआहदा किया कि सिंध गवर्नमेंट पे करेगी SIDCL को, और ये सारी दो तीन कॉम्पोनेंट जो है SIDCL ने करने, ताकि एक ही कंपनी ऑपरेट करे और फैसिलिटेट कर सके सब लोगों को। ये लास्ट टाइम असद उमर साहब ने भी एक दावा किया था कि ऑरेंज लाइन तो हम अभी तक कंप्लीट नहीं है और हमें कोई पैसे नहीं मिले, जिसके जवाब में मैंने भी उनको बताया कि हम पैसे भी दे चुके हैं, सारी चीजें हमारी तरफ से कंप्लीट हैं। अब बसेस की प्रोक्योरमेंट रहती थी, वो बसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से चाइना से उनको जल्दी यहाँ पे पहुँचाया जा सके, क्योंकि पिछले 2 महीने से वहाँ पे पोर्ट्स लॉक थे, कोविड का एक बहुत बड़ा सर्ज आया हुआ था। शंघाई पोर्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये न्यूज है कि शंघाई पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है, वो लॉक था। वहां से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमें एक थोड़ा टाइम मिला तो हमने ये 20 बसेस ऑरेंज लाइन की और 50 बसेस अपनी फर्स्ट बैच अपनी इंट्रासिटी बस सर्विस की, ये दोनों एक ही वेसल पे मैंने लोड करवाई। ऑरेंज लाइन में सिर्फ एक चीज बाकी है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप ना कहें लेकिन एक मामूली सा काम बाकी है जो SIDCL और सिंध गवर्नमेंट ने मिलकर करना है, जो केबल लेइंग है, केबल लेइंग ऑफ ITS सिस्टम्स। सिर्फ ये काम बाकी है, बाकी ऑरेंज लाइन विद ऑल एस्पेक्ट्स कंप्लीट है। बसेस का 15 से 20 दिन का एक ड्राई रन होता है, उनकी ट्रायल एंड टेस्टिंग होती है, ड्राइवर ट्रेनिंग होती है, बसेस 1 महीने के अंदर अंदर फुल फ्लैश ऑरेंज लाइन को हम ऑपरेट कर सकते हैं। शाह साहब, अवामी इंटरेस्ट की बात बताएं, ऑरेंज लाइन बस का किराया कितना होगा और क्या ये प्रोजेक्ट भी सब्सिडी पर चलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सब्सिडाइज प्रोजेक्ट है। जिस तरह मैंने पहले ये तफसील इसलिए बताई, आपका टाइम लिया, कि ये नाजरीन को, मेरी कौम को ये पता होना चाहिए कि साबका गवर्नमेंट जो झूठ बोलती रही उन पे उनका कोई सर या पैर नहीं था। ये सब्सिडी भी ऑरेंज ले करेगी, बल्कि हमने ये अकाउंट भी एक अलग कर दिया है। अभी तक SIDCL ने एस्क्रो अकाउंट नहीं खोला जिसमें सिंध गवर्नमेंट के पैसे शिफ्ट होने हैं सब्सिडी के। बाकी तो हम बसेस के पैसे भी उनको दे चुके हैं, ITS सिस्टम्स के भी दे चुके हैं, और दूसरी सिक्योरिटीज जो देनी थी वो भी हम उनको दे चुके हैं SIDCL को, क्योंकि ये फॉर्मूला ये था कि देखिए ये मास ट्रांजिट सिस्टम है, अगर दो अलग अलग कंपनीज चलाएंगी, दो अलग अलग गवर्नमेंट्स चलाएंगी, तो उनको एक साथ अलाइन करना, उनकी टाइमिंग्स को मैच करना, उनके ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम को एक जगह कलेक्ट करना, उनकी टाइमिंग्स को एडजस्ट करना, ये जरा इसमें प्रॉब्लम्स आगे चल के आ सकती थी। तो ये 2 साल पहले ये फैसला किया गया, गवर्नर सिंध में भी उनको भी इन्फॉर्म किया गया, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के हवाले ग्रीन लाइन नहीं करेगी,
चलें एक बेहतरी के लिए फॉर द ग्रेटर गुड, ऑरेंज लाइन हम आपको दे रहे हैं, पैसे सारे सिंध गवर्नमेंट पे करेगी, सब्सिडी से भी जो प्रिक्योरमेंट करनी है उसके भी, आप इसको रन करें ताकि एक बड़ा प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से रन हो सके। शाह साहब, बसेस को चलाने के लिए सर अमरा रख लिया है, ये अभी उसकी हायरिंग के लिए वक्त चाहिए? देखिए नहीं, मैंने जिस तरह कहा कि हम अपनी सारी पेमेंट्स कर चुके हैं। अच्छा। हमने हायरिंग के भी उनको पैसे दे दिए हैं, हमने वो चलाने के पैसे भी, सब्सिडी के पैसे भी उनको दे दिए हैं, हम सारे पैसे दे चुके हैं, अब ये सारा काम एसआईडी के लिए कर। ये समझा दीजिए जरा मुझे, ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन की बसेस में क्या फर्क है? देखिए फर्क ये है कि ऑरेंज लाइन एक छोटा कॉरिडोर है, उसमें 12 मीटर की बसेस है, और ग्रीन लाइन एक लंबा कॉरिडोर है जिसमें 18 मीटर की बसेस है। शाह साहब, इंटरसिटी कराची के लिए भी इसमें 50 बसेस मौजूद हैं, वो कब तक होंगी सड़कों पर? इसे सिंधु कुमा चलाएगी और इसका किराया क्या होगा? देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी से ये मुझे बताते हैं, खुशी भी हो रही है कि मैंने एक प्रॉमिस किया, एक वादा किया अपने कराची के भाई बहनों के साथ, बल्कि सिंध के भाई बहनों के साथ, कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैं ऐसा बना के दूंगा यहाँ पे जो चलता रहे, जो शायद माजी में डिले हो चुका है, जो शहर को, शहर कराची को पहले मिलना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हैं तो खुशी हो रही है कि मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। मैंने ये फेज वन सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस फेज वन, जिसको 250 बसेस, जिसमें 250 बसेस हैं, जिनकी पहली बैच कल रात को कराची पहुंच चुकी है, अभी 200 बसेस आना लाजिम, वापस अभी आनी है इसी महीने के अंदर या कुछ देर से 200 बसें पहुंच जाएंगी, तो इसमें 240 बसें कराची के 7 रूट्स पर ऑपरेट करेंगी और 10 बसेस डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के लिए। इसी तरह ये बसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही चलाएगा, इंट्रा सिटी बस सर्विस का फेयर है ये, स्टार्ट होगा 30 रुपए से और ये स्लैब वाइज फेयर है, 30 रुपीज, 25 रुपीज, 35 रुपीज, 40 रुपीज, इस तरह 5-5 किलोमीटर के स्लैब्स बने हुए हैं। ये कोशिश ये होगी कि जितना लंबा भी डिस्टेंस आए लेकिन वो किराया इतना नॉमिनल होगा कि आसानी से हर कोई पे कर सके। शाह साहब, तुर्की की कंपनी ने भी कराची में ट्रांसपोर्ट सर्विस का आगाज करना था ना, उसका क्या हुआ? देखिए ये वही प्रोजेक्ट है, इस अच्छा। प्रोजेक्ट की जो ड्राइविंग का जो ट्रेनिंग है और ड्राइविंग को जो मॉनिटर करेंगे, जो सारे सिस्टम पूरा हमें ऑर्गेनाइज करके देंगे, वो टर्किश कंपनी है गिजेलियस, गिजेलियस कंपनी है, ये कंसोर्शियम है जिसके साथ हमारा मुहैदा हुआ था। साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट ओवैस शाह साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, कराची वालों को खुशखबरी दे रहे थे। वो बसेस जिसका इंतजार किया जाता था, कराची वाले सोचते थे कब आएंगी, कब सड़कों पर चलती हुई दिखाई देंगी, तो उसके बारे में डिटेल्स बता रहे थे। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप मौजूद थे, वक्त भी ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।